हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ होम मेड प्रोटीन शेक के ऊपर में। क्या आपको भी वेट गेन करना है 10 टू 15 डेज में मेरा तरह 2 से 3 kg वेट जैसे मैं गेन कर लिया हूँ, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो, अच्छा खासा रिजल्ट है। और ये आपको मैं बताने वाला हूँ होम मेड वे प्रोटीन शेक, जो कि आप जहाँ 2500 से 3000 आज के टाइम पर लेंगे वे प्रोटीन तो कहीं नहीं है 2500 से 3000। और वही मैं आपको अगर 1200 रुपये में 1 से 2 महीने का खर्चा मैं बता दूँ आपको अच्छा उससे डबल प्रोटीन, जैसे कि आपको मान लो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, यहाँ पे एक बार में आप 30 से 40 ग्राम प्रोटीन लोगे, उसे 2 टाइम पीना है। तो चलो मैं बता दूँ क्या क्या लेना है। तो देखो यहाँ सामने सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये जो मिक्सर होता है, ये तो पुराना घर में हर कोई का होता है, मम्मी वाला, ठीक है। बस एक काम करना, उसमें जो जार रहता है, मतलब ये जो है ये अपने से एक बॉल ले लेना, ठीक है। ये मैं आप जाके खरीदा हूँ 650 रुपये में, आप भी जाके खरीदो अपने लिए, 2-3 साल आराम से चल जाएगा। इसमें आपको 300 से 400 ml मिल्क लेना है, ठीक है। देखो मिल्क में पहले से भर के इसमें रख लिया हूँ। और आपको 5 से 6 बनाना लेना है, ये बनाना मैंने ले लिया है, ठीक है, बना लेना है 5 से 6। और उसके साथ आपको ओट्स लेना है, ओट्स मैं इसके अंदर रखा हूँ डब्बा के अंदर है, बिकॉज इसमें रख नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं दिखा दूँगा कितना ओट्स लेना है, कम से कम ओट्स आपको 200 से 150 ग्राम ओट्स लेना है। और सबको साथ में अच्छे से ग्राइंड करना, बताता हूँ कैसे। इसको सबसे पहले यहाँ लगा लो। ये वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों में आप ऐसा वे प्रोटीन, होम मेड वे प्रोटीन शेक बना सकते हो, वो भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा आपको, उससे डबल रिजल्ट मिलेगा। तो चलो जल्दी जल्दी मैं बनाना को इसमें डाल लेता हूँ, 5 से 6 बनाना लेना है, ठीक है, या फिर 4 से 5 यहाँ पर। हाँ, एक से दो बार आप पी लोगे इसे, ठीक है। ये हो गया बनाना और ये मिल्क और बनाना, इसमें मैं डाल दिया हूँ। अब इसमें ले लेता हूँ ओट्स ऐड कर लेता हूँ, ये डब्बा में रखा हूँ, ठीक है। 150 से 200 ग्राम ज़्यादा से, ठीक है। ये देख सकते हो ओट्स हो गया, कम से कम 150 से 200 ग्राम ये ओट्स होगा, ठीक है। इसको अच्छा से डाल लो कि गिरे नहीं, वरना तो मैं ये डाल दिया इसमें, ठीक है। बस अगर आपको इसमें थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो आप इसके लिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो जो थोड़ा फीका नहीं लगे, थोड़ा अच्छा मीठा लगे, और आपको ज़्यादा की बोलते हैं ना थिक बनाना, एकदम पतला बनाना है, पतला ही बनाना, पीने में आपको आराम लगेगा, वरना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आप पी नहीं पाओगे, तो फिर आप बोलोगे भाई कैसा प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मिल्क थोड़ा ज़्यादा लेना है, बनाना थोड़ा कम ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो 300 से 400 ml अगर मिल्क ले रहे हो तो आपको 4 से 5 बनाना या 3 से 4 बनाना लेना, और ओट्स 150 से 200 ग्राम लेना, या थोड़ा सा कम कर देना आप, अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा मिल्क देकर बढ़ा देना, पानी मत डालना, ठीक है। शुगर ऐड कर लेना, उससे आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। चलो अभी इसको बना लेते हैं। तो गाइस ये हो चुका है पूरा अच्छा से ग्राइंड, ठीक है। इसको अच्छे से थिक कर लेना कि आपको पीने में दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा एक जार में मैं आधा से थोड़ा कम बनाया हूँ, बिकॉज अब पूरा मैं नहीं पी पाऊँगा, ठीक है। पूरा मत पीना, अगर आप पी सकते हो तो ठीक है, मैं आदत करूँगा पीने का पूरा। तो मान लो अगर इतना आप ले रहे हो, ठीक है, इतना जितना आप देख रहे हो, तो इसमें आपको कम से कम 30 से 35 ग्राम या 40 ग्राम तक प्रोटीन इसमें मिल जाएगा। हाँ, अगर आपका बजट है तो आप इसमें एक इसको पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग, और एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और एक वर्कआउट के बाद लेना है, ठीक है। एक पूरा इसको जा रहा बना के पी सकते हो, पी सकते हो, फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा पी लेना, और बहुत अच्छा आपको बहुत कम टाइम में गेनिंग रिजल्ट मिलेगा, देख सकते हो आप। ये मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं ऐड कर दूंगा क्लिप, बहुत अच्छा बना, एकदम पतला, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। सो गाइस, आप देख लिया मैंने कैसे बनाया ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन शेक है, होममेड खुद का, इसमें ज़्यादा नहीं है। आप कम से कम 1000 से 1500 में आप 2 से 2.5 महीना आराम से इसको प्रोटीन शेक, वो भी 40 ग्राम एक बार में मिलेगा आपको। आप जहाँ वे प्रोटीन लेते हो उसका दाम होता है 2500 से 3000, एक अच्छा कंपनी का लोगे तो 1 kg का, वो भी कितना दिन चलेगा, एक स्कूप करके 2 स्कूप करके लोगे तो 15 दिन 14 दिन चलेगा, ठीक है। एक स्कूप लोगे तो 28 डेज 30 डेज भी नहीं चलेगा, बट ये आप 1000, 1200 या 1500 में 1-1.5 महीना तक का पियोगे, वो भी दो टाइम, ये भी वही चीज़ है। बस क्या है कि वो वे प्रोटीन है पूरा ग्राइंड होकर पाउडर नहीं खा रहा, बट इसे हम होम मेड बना रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो, आपको अच्छा खासा पता चलेगा बनाना ओट्स और ये मिल्क में कितना प्रोटीन है, और क्वांटिटी बढ़ा लो तो प्रोटीन और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।